पार्ट के हिसाब से एक बात तो निश्चित कर लेनी पड़ेगी कि जो भी आत्माओं का पार्ट होता है वो काल चक्र से बंधा हुआ है या नहीं है। काल चक्र से बंधा हुआ है और काल चक्र में ये नियम है कि सदा एक सा समय किसी का सुना और नहीं देखा है। सुना है, देखा है नहीं। समय चक्र परिवर्तन होता है और पार्ट भी परिवर्तनशील जरूर होता है। तो हर जन्म में कोई ऊंचा बना रहे या हर जन्म में कोई नीचा बना रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो टोटल कितने जन्म है? 84 जन्म है।